हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ और समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा क्या। आज है सैटरडे और आज हमें जाना है स्कूल, क्योंकि हमें देनी है, आज हम दे रहे हैं फेयरवेल पार्टी हमारे सीनियर्स को, ट्वेल्थ वाले जो अब जाएंगे उनको। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और अभी तक मैं एक्टिव नहीं थी तो अब इसके आगे को बनाते रहूँगी। और ये हमारे इस खिड़की से भी और वो वाली खिड़की से भी पूरा ऐसे धूप आती है, मस्त है टिकटॉक बनाने के लिए। और अभी तो बस बैठी हूँ, कितने बज रहे, 6:30 हो रहे हैं और हमें पहुँचना है वहाँ 8 बजे, और हम यहाँ से निकलेंगे 7:30। तो मैं स्कूल का जितना होगा उतना सब कुछ दिखा दूँगी, और मैं होस्ट कर रही हूँ तो एंकरिंग वगैरह मेरा है, तो देखा जाएगा कि कैसे होगा सब कुछ। एंड लेट्स सी, फ्लाइट मिस कर रही थी, अभी अभी रेडी होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल में देखेंगे क्या सीन हो रहा है। तो गाइस, अब हम हो गए हैं रेडी और अब जाएंगे हम सीधे स्कूल। पायल भी आ रही है तो वो इधर से ही आएगी, फिर इधर से स्कूल जाएंगे। और मेरा सामान, बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, कल परसों बारिश हुई थी हल्की फुल्की, तो अच्छा हो रहा है मौसम। पापा की वीडियो कॉल आई है और रानी खेत में कसम परेड हो रही ना। पायल भी पहुंच चुकी है, हाय नहीं बोल सकती मेरे ब्लॉग, इन सबको ना बताना पड़ता है मेरे ब्लॉग को। हाय बोलो, हाय 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 बोल। तो अब चलते हैं सीधे सीधे स्कूल को। आपको कैसा लग रहा है, हम 12 सालों को विदाई ना विदा कर रहे हैं ना, तीसरा बंदा चल रहा है हमारे साथ, उससे पूछ रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उनको भगा रहे हैं। अगले साल हमारा भी तो टाइम है, अरे वो भगा रहे हैं, वो तो सही है, वो तो खुश ही रहेंगे। मौसम कितना सही हो रहा, पहुँच चुके हैं हम अपने स्कूल ड्रिंकते रूम पे आ गए हैं, वो भी सबसे पहले। सबसे पहले नहीं आए, नीचे होंगे शायद, हॉल में होंगे, बच्चे स्कूल में तो दिख नहीं रहे। हाँ हाँ, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही है हल्ला करने की। ये हमारा, ये तो अरे मंत्र मंत्र जैसे क्या चला रहे हैं इन लोगों ने, मंत्र चल रहा है। कोई नहीं होता, हमें आना था नीचे लेकिन हम आ गए ऊपर, हम चले गए थे ऊपर, यहाँ से भी गेट बंद है। और ये कितना प्यारा लग रहा, वो तो माजी था। ये है हमारा फेयरवेल जहाँ होगा हॉल। क्या बोल रहा, पहले नहीं बुला रहा तुम। अभी हो रही है पागलपंती, कोई आया ही नहीं है, हम ही लोग आए हुए हैं बस, और हमसे बोला था 8 बजे आना। स्टूडेंट ऐसे होते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं, उससे बड़ी तो मैं हूँ। ये सब फेरू है, तब जल्दी आ गए। सेल सेल, 1-4, 1-4, 1-4, 1-4, बोलो जरा। तुम सही समझ रही हो। तो अब हम गुब्बारे फुला रहे, फुलाने वाला है नहीं, मुंह से ही फुलाएंगे। और मैंने अपने बाल गोल्डन कर चुके हैं, कर लिए हैं। ओए कहाँ गया इसका वो, ओए हमारे गुब्बारे फुलाने वाले मस्त गुब्बारे फुला रहे हैं। और मैंने ये लगाया, बहुत ही भद्दा लग रहा है यार ये कैमरे में। ओ बेटे, मैंने जस्ट से की, ये क्या हुआ अचानक। हमारे यहाँ गुब्बारे फुलाने वाले
बच्चों की संख्या बढ़ चुकी है। यहाँ ये सीन चल रहा है, ये लोग गुब्बारे को बीच में फूल बैठ के गुब्बारे फुलाते फुलाते यहाँ दर्द होने लगी है। इतना तैयारी कर दी है, हमें लगा था डेकोरेशन वाले आएंगे लेकिन नहीं, हमने किया है। सबकी वाट लगी हुई है। मैं ही बैठी हूँ एक मौत से, ये बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन तो गाइस फाइनली हमारी सारी डेकोरेशन हो गई है, अब बस इंतजार है 12 वालों का, अब बस इंतजार है 12 वालों का। इनका फोटो शूट हो रहा है, ये किया है हमने कुछ डेकोरेशन, सब मैंने किया।
गाइस हम जा रहे हैं अब घूमने। मैं स्कूल पहुंची, स्कूल से घर काफ़ी टाइम पहले पहुंच गई थी, 2 बजे। मैंने आते वक्त का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और वो अपना इंजॉय कर रहे थे, तो मैं आ गई थी घर। फिर आते ही हम सो गए थे, उसके बाद अभी जा रहे हैं घूमने। तो अभी बस रास्ते में सीढ़ियों ने वाट लगा रखी। तो गाइस हमारे साथ हमारा बॉडीगार्ड भी है। जैकी रुक जा, चल चल। ये हमारे चारों ओर ही घूम रहा है एंकर, किसी को आने भी नहीं दे रहा। अरे वो खुद ही रुक जा रहा हो, जैसे हम थोड़े पीछे छूट रहे हैं। और यहाँ का मौसम कैंट इसीलिए फेमस है, गर्मियों में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। हम यहाँ पे बैठे, अपना भी इधर पे रह गया। इसने मेरे पूरे जीन्स में ही पोज दिया अपना मुंह का। जा रहे हम घर को, जा रहे हट बल। घर जा रहे हम, बैठ। हम रुके, अपना भी रुक गया। देखो वही हम समझदार होता है यार, आगे तक घूम के आता किसी का पता हो। आजा खाएगा हाथ मेरा, लाइक पीस, हैंड पीस खाऊंगा बल। है जेकी छी 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 क्या लगा इसको मुंह में, मेरे पूरे जींस में पोंछ रखा है उसने। हम घूम के आ गए हैं घर और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ और सबने इंजॉय किया। बाकी 12th वालों की विदाई भी कर दी है हमने उन्हें फेयरवेल पार्टी देके। और अब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अब शायद हम मेरा जो इसके बाद व्लॉग आएगा या फिर वो परसों आएगा या फिर कल आएगा, पता नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं खुद बोर होती हूँ तो मैं आपको क्या बोर करूँ, इससे अच्छा कि कुछ इंटरेस्टिंग हो तो ही बनाना पड़ता है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आज ही मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, आप जल्दी से जल्दी उसे 1K कर दीजिए। और बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक